देश जानना चाहता है कि दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर क्यों जा रहे हैं। देश जानना चाहता है कि जन्नत के जख्म पर मरहम लगाने के लिए मोदी ने दिवाली को ही क्यों चुना। देश जानना चाहता है कि क्या घाटी का दर्द बांटकर मोदी जम्मू कश्मीर का दिल जीतना चाहते हैं। देश जानना चाहता है कि दिवाली पर जो काम मोदी कर रहे हैं वो पिछले प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया। आनेवल प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब हमारे दुख बांटने आ रहे हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि वो लोगों से हटकर सोचते हैं। मौका दिवाली का आया तो मोदी ने सोचा कि उन घरों में चिराग जलाए जाएं जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है। तो मोदी इस बार बाढ़ से बेहाल हुए श्रीनगर में मनाएंगे दिवाली उन लोगों के साथ जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा है। क्योंकि मोदी जानते हैं कि कश्मीर के लोग अपने हैं और अगर उनके घर अंधेरे रहेंगे तो पूरे देश की दिवाली फीकी मनेगी। देश जानना चाहता है आखिर मोदी कैसे करेंगे घाटी के घरों को रोशन। देश जानना चाहता है कश्मीर में मोदी कैसे मनाएंगे दिवाली। लेकिन हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर में हमारे पास दिवाली मनाने आ रहे हैं, हमारा हाल पूछने आ रहे हैं। ये समझो हमारे लिए दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा है। देश जानना चाहता है दिवाली पर कश्मीर को क्या तोहफा देंगे मोदी। देश जानना चाहता है मोदी के आने से कितनी रोशन होगी घाटी। देश जानना चाहता है क्या कश्मीरियों की जिंदगी से दूर होगा अंधेरा। इससे पहले भी उन्होंने कई बार कच्छभुज में जब त्रासदी आए वहां पे भी उन्होंने जाके रात बिताई है। ये जम्मू कश्मीर की के लिए गौरव की बात है कि वो हमारे बीच में आके हमारी जो त्रासदी हुई है उन लोगों को एक सद्भावना मिल रही है। देश जानना चाहता है दिवाली पर कश्मीर का दिल जीत पाएंगे मोदी। देश जानना चाहता है मोदी की दिवाली से घाटी के जख्म कितने भरेंगे। देश जानना चाहता है क्या कारगर होगा मोदी का मिशन कश्मीर। हमें बहुत खुशी है सर, यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहाँ पर हमारे आनेवल प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब हमारे दुख बांटने आ रहे हैं। यहाँ पर बाढ़ग्रस्त इलाकों का फिर से दोबारा दौरा करेंगे वो। देश जानना चाहता है क्या कश्मीर में भी करिश्मा दिखा पाएंगे मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार श्रीनगर के बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाएंगे, पीड़ितों के साथ दिवाली मनाएंगे। दिवाली पर मोदी घाटी के लोगों के लिए राहत के पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं और बाढ़ से बेहाल हुई जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश भी जारी है, उसका भी जायजा लिया जाएगा। जाहिर है दिवाली पर मोदी उन लोगों के दिलों में घर करने की कोशिश करेंगे, देश के उन लोगों के साथ होंगे जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा दरकार है। मोदी ने घाटी में जलाई उम्मीद की लौ। घाटी के लोगों में सालों बाद एक उम्मीद जगी है कि देश का प्रधानमंत्री उनसे सीधे सीधे जुड़ रहा है।
उनकी बातें सुन रहा है, उनके सुख दुख में साथ खड़ा है। घाटी को उम्मीद है कि दिवाली पर मोदी उनके सारे दुख दूर करेंगे। घाटी को आस है कि बाढ़ से बर्बाद हुई जिंदगी फिर से आबाद हो जाएगी। घाटी में पहली बार मनेगी ऐसी दिवाली। हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली मनाई हो। जाहिर है मोदी ऐसा कर रहे हैं तो घाटी के लिए यह बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल देने वाले मोदी हो सकता है इस दिवाली की वजह से कश्मीर के लोगों के दिलों में उतर जाएं। The Prime Minister is coming on Diwali. I don't want to get into any sort of political debate on this issue by undermining this visit. The fact is he is coming. He says that he is coming to express solidarity with the flood-affected people of Jammu and Kashmir. As I said, I hope that his visit means that the package is going to be accepted and announced. अंधेरी हुई जिंदगी को रोशन करेंगे मोदी। घाटी के लोगों को उम्मीद है कि इस बार आई तबाही ने उनकी जिंदगी में जो अंधेरा भर दिया है उसे दूर करने में मोदी जरूर मदद करेंगे। जिन लोगों के घर तबाह हो गए उनका घर फिर से बन जाए, इसके लिए मोदी जरूर कुछ करेंगे। मोदी निकालेंगे घाटी की मुश्किलों का हल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाटी में दिवाली मनाना उन मुश्किलों का मुकाबला करने का फैसला है जिन मुश्किलों ने घाटी के लोगों की जिंदगी में अंधेरा भर दिया है। घाटी में हजारों ऐसे लोग हैं जिनके सिर पर इस बार छत नहीं है और जिनकी कमाई का जरिया भी सैलाब में दफन हो गया है। न्यूज एक्सप्रेस। और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ योगेश मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बीएस मलिक साहब भी हैं, स्ट्रेटजिक और डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी इस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं? भुज में भी हमने देखा था, जो जलजला आया था उसके बाद भी नरेंद्र मोदी वहाँ पर लोगों के बीच पहुँचे थे, उनके साथ दिवाली मनाई थी। ये उनका एक तरीका है, ये उनका एक स्टाइल है? देखिए, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल स्टाइल को समझने की ज़रूरत है। इस सवाल का जवाब देने से पहले, नरेंद्र मोदी हमेशा अपने और जनता के बीच में किसी को ना तो पार्टी को रखते हैं ना किसी दूसरे नेता को रखते हैं। वो सीधे कनेक्ट पीपल जो है, जनता से सीधे कनेक्ट होने की योजनाओं पर हमेशा काम करते हैं। और यही कारण था कि वो भुज में भी सीधे गए और यही कारण है कि वो कश्मीर में सीधे जा रहा है। कश्मीर में अगले साल चुनाव है और वो ये बताना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों की, वहाँ जनता के सुख दुख का सीधा साबका प्रधानमंत्री से है। प्रधानमंत्री उनका ख्याल करते हैं, प्रधानमंत्री को उनकी याद है, प्रधानमंत्री उनके बीच में आएंगे, उनकी मुश्किलों से दो चार हाथ करने के लिए वो खड़े हैं, उनके साथ हमेशा मिलेंगे। तो जो उनकी पॉलिटिकल स्टाइल है, ये स्टाइल उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी पूरे कैंपेन में किया। कभी भी कैंपेन में वो आम नेता की तरह भाषण देके निकल नहीं जाते हैं, वो इस बात की कोशिश करते हैं कि वो जनता से संवाद करें, जनता से कुछ सवाल पूछें। तो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल स्टाइल है लोगों से कनेक्ट होने की, उसी का ये नतीजा है, उसी का परिणाम है और वही उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वो कश्मीर के लोगों से इस तरह कनेक्ट हो सकें कि वहाँ के लोगों को लगे कि एक ऐसा नेता है जो उनके सुख दुख के में उनके साथ रहेगा, इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। शायना सिंह जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी की स्पोकपर्सन है। शायना जी, नरेंद्र मोदी का ये कदम सराहनीय है, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा जा रहा है, विरोधी दल ये भी जानना चाहते हैं, अगर दिवाली मनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ, तो फिर ईद पर उन्हें क्यों भूल गए थे? करनी चाहिए। हम लगातार सवाल क्यों ऐसे सस्पिशन के साथ, जैसे कि एक प्रश्न चिन्ह उठता है हर एक कदम पे, जहां एक प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि मैं फ्लड अफेक्टेड लोगों और जम्मू कश्मीर की जो आबादी है जिनकी इतनी बड़ी संकट हुई है उनके साथ मैं रहूं, उनके साथ सुख दुख में रहूं, त्योहार के वक्त रहूं जी। मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा और संवेदनशील जेस्टर है उनके तरफ से।
वो सिर्फ एक भाषण दे के गायब नहीं हो रहे हैं, वो जा रहे हैं वहाँ, उनके साथ रह के ये पता कर रहे हैं कि परिस्थिति क्या है और सरकार की तरफ से क्या हम समस्या का हल किस ढंग से कर सकते हैं और जल्द से जल्द। तो मुझे लगता है कि हर कदम मोदी जी का जो हम ऐसे एक विद एन आई ऑफ सस्पिशन देखने वाले हैं तो बिल्कुल गलत रहेगा। राजनीति है ना चाइना जी, उसे भी तो दरकिनार नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि विरोधी पार्टियां हैं वो तो सवाल पूछेंगी ही। हमारे साथ हुसैन दलवाई साहब भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। शिवानी जी, हम अभी एक पॉपुलर मैंडेट जीत के आए हैं, हम अभी एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आए हैं। इलेक्शन का माहौल जो आपको लगता है कि ये कोई वोट बैंक के लिए है, तो ये बहुत ही गिरी हुई सोच है, क्योंकि जो वो सिर्फ वहाँ कुछ बयानबाजी करके निकलना चाह रहे थे तो ज़रूर आप टिप्पणी कीजिए, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि दिवाली पर कश्मीर को क्या तोहफा देंगे मोदी, क्या मैं अपने तरफ से नहीं दे सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री हूँ? शायना जी, इस कदम का तो हम भी स्वागत कर रहे हैं, शायना जी इस कदम का तो हम भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों के हमलों से भी तो नहीं बचा जा सकता। हुसैन साहब, घाटी का दौरा करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, ये अच्छी बात है कि वहाँ दिवाली मनाने के लिए वो जा रहे हैं। कश्मीर में जो कुछ हुआ बहुत ही बुरी हालात है, कश्मीर पूरा नया बांधने के लिए और खास करके श्रीनगर के लिए, कश्मीर में जो कुछ श्रीनगर में हुआ है वो पूरा श्रीनगर नया बांधना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, बड़े पैमाने पर राशि लगेगी। और अगर मरकजी केंद्र सरकार ये इसमें इसकी जिम्मेदारी लेके कुछ काम करती है तो उसका कहाँ न कहाँ स्वागत करना चाहिए, इससे माहौल भी वहाँ बदलेगा, ये मैं मानता हूँ। और दिवाली की उधर जाना कोई गैर बात है ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि दिवाली सब लोगों की दिवाली होती है। भारत में 3-4 त्योहार ऐसे हैं कि जो सब लोग मनाते हैं, एक खुशी की बात है, लक्ष्मी आती है, ऐसे इस तरह की एक ट्रेडिशन यहाँ है और रोशनाई की जाती है, पटाखे बजाए जाते हैं, वैसा ही मैं एक बोलूंगा, वही उसी तरह क्रिसमस का स्वागत किया जाता है, 1 दिसंबर का स्वागत किया जाता है, 31 दिसंबर को लोग बड़े पैमाने पर रास्ते पे आते हैं। तो कल एक बड़ा त्यौहार दिवाली है और इस मौके पर घाटी का दौरा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो उन लोगों के बीच पहुंचेंगे जहां पर लोग बाढ़ प्रभावित हुए हैं, जो अपना सब कुछ गवा बैठे हैं, उन लोगों के साथ दिवाली मनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, उनका जीवन उनका घर रोशन करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, आपसे एक सवाल सुरक्षा, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और घाटी पर जिस तरह से हमने देखा है, सीमा पर जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है सीज फायर का पाकिस्तान की तरफ से, और आज भी हुआ है सुबह सांबा में, अरनिया में हमने देखा है किस तरह से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। शिवानी, सवाल ये है कि इस टाइम पर विश्वास पैदा करना सेना के अंदर और घाटी के नागरिकों के अंदर, और साथ ये संदेश देना पाकिस्तान के जो आतंकवादी और बाकी जो शक्तियां हैं कि भारत जो है पूरी तरह से एक है। बीच में कुछ लोगों ने ये सवाल पैदा करने की कोशिश की थी कि इतनी सारी मदद जो घाटी में दी गई उसके बावजूद वहां पर उतना असर नहीं हो पाया और अभी भी राजतंत्र और जो जनता है उसमें थोड़ा सा शायद फर्क है जी। ये जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है इससे सारे के सारे सवाल दूर हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम सुरक्षा को लेते हैं, सुरक्षा की मैं सेना को यह पता लगेगा कि सेना की जो सारी समस्याएं हैं अब वो एकदम प्रधानमंत्री के सामने आ गई हैं और प्रधानमंत्री उसका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे जी। दूसरी बात है कि अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेना के बीच में थोड़ा सा एक मतभेद लाने की कोशिश की गई थी कि सेना के जो इंजीनियर थे उन्होंने कहा था कि झेलम के जो पास का वहां एक बंद है कि उसको काट देना चाहिए जिससे कि पूरे श्रीनगर में पानी ना भरता जी। इसमें एक मिनिस्टर का बयान आया था घाटी से, उनके विचार कुछ ही दूसरे किस्म के थे और उन्होंने यहां तक कह डाला कि सेना को नहीं बताना चाहिए कि हमें सरकार कैसे चलानी चाहिए। तीसरी बात है कि ये जो हमेशा बॉर्डर पे जो फायरिंग चल रही है, अभी अरनिया में फायरिंग हो रही है,
इसमें सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये आतंकवादियों को घुसने के लिए तैयार किया जा रहा है जी। या ये जो इलाका बदली किया गया है जी। अभी LOC से लेके इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो ये तैयारी की गई है और ये कोशिश की जा रही है, इसका मतलब क्या है जी? तो ये जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री सीधे सीधे सेना के जो उच्च अधिकारी हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊंचे अधिकारी हैं उनके बीच में झेलम वाली बात, सेना की तैयारी वाली बात, आतंकवादियों से खतरे वाली बात और बाकी उनको क्या मदद देनी चाहिए और कितनी मदद पहुंची है और कितनी मदद और दी जा सकती है, इस सबका वो जायजा ले पाएंगे जी। और बाकी बात तो आपका जो चैनल है वो बता ही चुका है कि इससे घाटी के लोगों को ये पता चलेगा कि पूरा भारत देश हमारे साथ जी, है। उनमें भी उत्साह है इस बात को लेकर कि कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ होंगे और दिवाली उनके साथ मनाएंगे। योगेश जी, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे मकसद होते हैं जिन पर शायद राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन अलगाववादी वहां पर ये कह रहे हैं उनको नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना पसंद नहीं आ रहा है, वो ये कह रहे हैं श्रीनगर बंद का उन्होंने आह्वान कर दिया है, हम विरोध करेंगे इस बात का। देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कोई भी पॉलिटिक्स कर रहा हो तो हर बात में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स तो हर बात में होगी, अब उसको काउंटर कैसे किया जाना चाहिए और जनता को कैसे लेना चाहिए, ये दो अलग अलग इशू हैं। पॉलिटिकल पार्टियां तो पॉलिटिक्स करेंगी ही करेंगी क्योंकि पॉलिटिक्स करने के लिए बनी है, और जब भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में थी तो पॉलिटिक्स करती थी, लेकिन जनता को इस पूरे नरेंद्र मोदी की यात्रा को, नरेंद्र मोदी के यात्रा पर जो बंद का आह्वान किया गया है उसको कैसे लेना चाहिए, ये एक दूसरा सवाल। जनता को इस बात से खुश होना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री, देश का बड़ा राजनेता, एक बड़ा शख्सियत, उनसे इतना कंसर्न है। इससे पहले कितने लोग जाते थे, और अभी हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कितना फंड जाता है, ये सवाल नहीं उठता। आप इतना फंड जा चुका है कि उससे ज़्यादा फंड नहीं जाएगा। सवाल उठता है कि लोगों का विश्वास आप कैसे जीतते हैं। प्रधानमंत्री जब बार बार जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो लोगों को लगेगा कि इस आदमी का हमारे ऊपर ट्रस्ट है, हमें इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। किसी के साथ कोई अस्पताल में जाता है, भर्ती हो जाता है, लोग देखने जाते हैं तो कोई दुख नहीं दूर करता है, पर लोगों को लगता है कि हमारे साथ इतने लोग खड़े हैं। कश्मीर के लोगों को लगेगा कि प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़े हैं। और ये जो बंद का आह्वान किया गया है, इसकी आलोचना जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बंद के आह्वान, यहाँ कोई पॉलिटिक्स करने नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी लोगों के साथ सुख दुख बांटना चाहते हैं। वो चाहते तो दिल्ली में बने रहते, वो गुजरात चले जाते, देश के दूसरे प्रांतों में चले जाते। तो ये सेपरेटिस्ट जो हैं वो हमेशा ऐसा करते हैं।